बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते थे, वो भी समय था जब वो कहते थे कि सर सिविल प्रोसीजर कोड मॉन्स्टर सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है। इसमें तो सेक्शन तो पढ़ना ही पड़ता है, साथ ही साथ सेक्शन के साथ ऑर्डर और ऑर्डर के अंतर्गत रूल्स को भी पढ़ना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शंस बता दिया था, मैंने ऑर्डर भी बता दिया है 1 से लेकर 21 तक, आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक लाइव सेशन में 6 दिन के भीतर सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 1 से लेकर 158 तक ख़त्म कर दिया जाए, और मैंने ऐसा कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इससे बेनिफिटेड भी हुए। ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर सिविल प्रोसीजर कोड 6 दिन में 158 सेक्शन कैसे पॉसिबल है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आधा अधूरा बताया, हर बातों को मैंने डिटेल में समझाया है, एक एक बात जो आपको आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है उस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। और कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। देखो इंस्टाग्राम का लिंक सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे अनअकैडमी पे फॉलो अभी तक नहीं किए हो ना, तो अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप का लिंक और अनअकैडमी का हमारा प्रोफाइल लिंक, ये सभी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज़्यादा समय लेंगे नहीं, सीधा पॉइंट पे आएंगे। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिविल प्रोसीजर कोड एक समय बहुत स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत मॉन्स्टर सब्जेक्ट कहा जाता है इसको, सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC, एविडेंस, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आपको बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सभी आर्टिकल्स याद होगा, आप बोलोगे ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल है। पॉसिबल एक ही चीज करता है इस बात को, वो क्या है? रिवीजन, पढ़े हुए चीज को लगातार पढ़ना, यही पॉसिबल बनाता है। लेकिन रिवीजन तभी आप करोगे, आपका रिवीजन तभी सक्सेसफुल रहता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो बात करें सबसे पहला नंबर पॉइंट सिविल प्रोसीजर कोड का, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो सिविल प्रोसीजर कोड के रिस्पेक्ट में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 99A तक और ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 21 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर लाइव सेशन करवा दीजिए एक बार, सिविल प्रोसीजर कोड का एक बार अपने लाइव आके समझाइए। तो मैंने क्या किया, मैं अनअकैडमी पे एडुकेटर हूँ, आपको पता ही, आपको दिख ही रहा होगा। तो हमने 6 दिन के भीतर सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 1 से लेकर 158 तक डिटेल्ड में, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर लेके निकल के चले गए, ऐसा नहीं है, 6 दिन लग गया। लेकिन 6 दिन में मैंने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है वो उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मदद करेगा। बस उनको एक ही तरीके से पढ़ना है और उनका बस मेंस प्रीलिम्स दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। तो जो लोगों का छूट गया है, जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाया क्लास सिविल प्रोसीजर कोड का, मुझे बस कमेंट कर देना कि सर मेरा सिविल प्रोसीजर कोड का क्लास छूट गया है। हम उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे CPC के सेक्शंस और ऑर्डर का। लेकिन देखो अब जो मैं बात बताना जा रहा हूं वो कितना महत्वपूर्ण है, बात सुन लो। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से लाइव सेशन ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में। जी हां,
फिर से शुरू कर रहे हैं लाइव सेशन ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में। मतलब अब हम लोग एक ऑर्डर से जाएंगे और 21 ऑर्डर तक कंप्लीट करवाएंगे आपका सिविल प्रोसीजर कोड, और इस तरीके से बताएंगे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाए, तब तरीका एक काम दो हो जाए आपका। और साथ ही साथ दूसरा बात कि कॉन्स्टिट्यूशन का एब इनिशियो सीरीज भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एब इनिशियो सीरीज मींस टू से कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग आर्टिकल एक से शुरू करेंगे और 395 आर्टिकल तक जाएंगे। जी हाँ, तो इस मौके को मत छोड़िए। क्लास का टाइमिंग आप लोग को पता है, सुबह में जो क्लास का टाइमिंग होता है वो होता है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद क्लास का दूसरे सेटिंग का जो क्लास होता है उसका टाइमिंग है रात का 9 बजे से लेके 10 बजे तक। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो यार। कॉन्स्टिट्यूशन में पकड़ बनाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चलेगा एब इनिशियो शुरू से, वो अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगा। इसलिए लगातार बने रहिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझसे जुड़े रहिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास किस प्लेटफॉर्म पे कब होना है। और बाकी सीआरपीसी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एविडेंस एक्ट भी हम लोग शुरू करने वाले बहुत जल्द, और आईपीसी भी हम लोग का क्लास हो चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग सीआरपीसी को और सीपीसी को कवर कर लिया। आप चैनल को सर्च करोगे प्लेलिस्ट को तो आपको मिल जाएगा। एविडेंस एक्ट भी ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इस बात से हम एग्री करते हैं। कुछ प्रोविजंस बचे हुए हैं जो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको हमको बताना था। ये अनाउंसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए।